गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, अब गीता जी के ज्ञान को समझने के लिए इतने लंबे चौड़े उदाहरण देने पड़ेंगे आपको, तब आपकी हृदय में समाओगी कि सचमुच ये ज्ञान सत्य है। अब तमोगुण भगवान शंकर का उपासक, तमोगुण का उपासक भस्मागिरी क्या बना? राक्षस भस्मासुर कहलाया। भस्मासुर, असुर माने राक्षस, और निंदा का पात्र बने। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही रावण को एक नकली ये घटिया गुरु मिले हुए थे। सभी को ऐसा ज्ञान था, जैसे आपने पढ़ा श्रीमद देवी भागवत में व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में सभी ब्राह्मण वेद के बड़े विद्वान ज्ञाता होते थे और वह दुर्गा की पूजा करते थे। अरे थरा गजब है। ऐसे ही त्रेता युग में रावण के जो गुरु जी थे वो वेद के प्राकांड ज्ञाता माने जाते थे और शंकर भगवान की पूजा करते थे, तमोगुण शंकर की और कराते थे। तो उस नालायक ने रावण को ये पाठ पढ़ा दिया कि शंकर वेदों में शंकर भगवान को ही सर्वशक्तिमान है, ये सर्वेश्वर है, सब कुछ देने वाला है, जल्दी प्रसन्न हो जाता है, तो इससे इसकी तपस्या कर ले। रावण ने अपने गुरुजी पर विश्वास करके कई वेदों का ज्ञाता है और वेदों में शंकर भगवान ही सर्वशक्तिमान है, इस ऐसा लिखा है, उस तमोगुण भगवान शंकर की साधना शुरू कर दी। उसे सिद्धियां भी होगी, धन भी मिल गया, सोने की लंका भी होगी, आकाश में उड़ जाने की सिद्धि भी आ गई। अंत में के कुक्रम किए, शराब पीण लग गया, मांस खाण लग गया, प्राय स्त्रियों को तकन लग गया, यानी सारे कुकर्म कर डाले, राक्षस कहलाया और कुछ त्याड़ी मौत मेरा सारे परिवार का नाश कराया। ये तमोगुण की के पुजारी की सती थी है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्ट कर्म करने वाले मूर्ख उत्तरा गज। अब श्री विष्णु जी के उपासकों के विषय में आपको एक उदाहरण देते हैं। एक समय हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला लगा और उस कुंभ के मेले में एक पर भी समय निहित किया जाता है कि इस समय जो नहालेगा उस दरिया में या तीर्थ में किसी तालाब में तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। ऐसी जो लोक वेद के आधार पर उनकी धारणा थी उसी आधार से सभी गिरी पुरी नाथ और गढ़ कन पाड़े और ये वैष्णो विष्णु के उपासक साधु अपने अपने वहां हरिद्वार में पहुंच गए और अपने अपने समुदाय में जाकर वो एकत्रित हो गए। नाथ न्यारे गिरी अलग थे, पुरी न्यारे वैष्णो अलग थे, और ये नागा ये भी तमोगुण के उपासक हैं, ये नंगे रहते हैं जो शंकर के उपासक, ये अलग अलग अपने समुदाय में इकट्ठे हो गए। स्नान करने का जो समय निर्धारित था उस समय सब चल पड़े वो टोड़ के टोड़ समूह के समूह।
सबसे पहले नागा महात्मा पहुंच गए, हरकी पैड़ियां पर स्नान करने के लिए तैयार हो गए, पूरी हरकी पैड़ियों को घेर लिया। वैष्णवों ने कहा कि ओ नागा, तुम नहीं स्नान करोगे, पहले हम स्नान करेंगे। नागा बोले नहीं, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी बैरागी हैं, हम नी इच्छा है, हम किसी वस्तु को साथ नहीं रखते, हम नी वस्त्र रहते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ संत हैं। अब विष्णु जी के उपासक, वो सतोगुण के उपासक वैष्णव साधु कहने लगे कि नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण विष्णु जी के उपासक हैं, विष्णु सर्वशक्तिमान है, ये है, और तुम कहां के श्रेष्ठ हो नंगो नागो, बाहर आओ, तुम नहाना ना धोना पशु की तरह नंगे फिरते हो, शरड़ फिरड़, बाहर आओ, नहीं तो तुम नगट जाएंगे। अब नागा ने भी मुंह फेर लिया, कहा जाओ, नहाना तो गए भूल, पर बीवी गई कुआं में पड़गी बाढ़ में, और हरकी पैड़ी पर भी आग लगो, ना भगवान की था ना उस हर उसकी कर पर भी का कोई समय, उन चिंता बनी के देव पर भी निकल जा, तुम कल्याण से रह जाओ। आपस में लड़ना शुरू कर दिया, जो कल्याण जिससे कहते हैं ना कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, पर भी नाणते वहां बेड़ा गर्क हो गया। कहते हैं 25,000 संत वो साधु के जिनको नागा तमोगुण और विष्णु के वैष्णव सतोगुण, ये दोनों आपस में लड़का मर गए, तीर काट लिया, गोली मार, तलवार निकाल ली और कतलेआम कर डाला। हरकी पैड़ियों के ऊपर मनुष्यों के शव ऐसे बिछ गए जैसे बाजरे की पूड़ी होया करे, और गंगा का पानी लाल हो गया खून से रक्त से। पवित्र गीता जी यही बताना चाहती है कि इस त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण द्वारा जिसका ज्ञान राजा चुका, यहीं तक जिनकी बुद्धि टेकी है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले हो, मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। परमेश्वर ने अपनी वाणी में क्या कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाया वाजा कर्द चलावे हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक ले जावे हैं। कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी, और कहते डट कर वहां कतलेआम कर डालते हैं ये लोग, और हर पैड़ी हर हेत ना जाया, हर की पैड़ी, और वहां भगवान का प्यार भी नहीं उपजा उनके अंदर दुष्ट आत्माओं में, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार है, और काटे शीश, काटे शीश नहीं दिल करुणा, उनके दिल में दया भी कोई ना दुष्टों के, और कतलेआम कर डाला, काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे इसे दुष्ट उनको भी नरक ले जावे। ऐसे संतों के दर्शन करने भी कोई जाता है तो उनको उल्टी पट्टी पढ़ाएंगे, उनके अंदर तो गंद भरा है वह शिक्षा देंगे, और इसी प्रकार ये आपसी आग लगा देते हैं ये लोग, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना, इन इन का काम है इसे दुष्ट व्यक्तियों का। अब ये तो गीता जी में बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कति व्यर्थ और मूर्ख लोग करते हैं, दास नहीं कह रहा, अपनी गीता जी बता रही है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, वो दास आपको पढ़कर और निष्कर्ष करके उदाहरणार्थ उदाहरणों द्वारा आपको समझा रहा है, अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं है। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है कि मेरी भक्ति चार प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, यानी अपने अपने व्यवसाय में बढ़ावा करने के लिए वेदों के मंत्रों के आधार से ही अनुष्ठान साधना करते हैं,
वो अन्य कोई और दूसरी साधना नहीं, दूसरे ग्रंथ को नहीं लेते, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता महादेव इस तरह के वो नहीं लेते, वो केवल वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करते, वो अर्थार्थी। ऐसे ही आर्थ जो संकट निवारण के लिए, आर्थ माने संकट निवारण के लिए जो साधना करते हैं वो भी वेदों अनुसार ही करते हैं, वेदों के वचनों को ही वेदों के मंत्रों से ही अपनी अनुष्ठान करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु जो श्रद्धालु परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकलते हैं, आगे ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं और ज्ञान ग्रहण करते हैं भगवान के लिए प्राप्ति के लिए ज्ञान जिज्ञासु होकर के, तो उनको जैसा ज्ञान मिला फिर वो आप वक्ता बन जाते हैं, वो अपना मोक्ष का चक्कर नहीं पड़ते, उनकी बोलने की शैली बढ़िया हो जाती है, दस उसके प्रशंसक हो जाते हैं और वह वाह का भूखा वो गधे की जो नीम जाता है वो जिज्ञासु। अब तीसरा बताया ज्ञानी, अब चौथे बताए ज्ञानी कि मेरी भक्ति चार प्रकार के करते, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब ज्ञानी उनको कहा है कि जिनको ये पता चला कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करना अति आवश्यक है, अन्यथा और किसी योनि में हम इस अवसर को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर उस ज्ञानी को यह भी पता चला कि वेदों में लिखा है केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की, अन्य देवता की, किसी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, उसी वो पूर्ण परमात्मा ही मोक्ष के भजन से साधना से ही मोक्ष होता है। उन्होंने वेदों को पढ़ा, अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया उन ज्ञानी आत्माओं ने कि ओम नाम का जाप इसमें लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 15 के 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्त्युम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन कर, विशेष कसक के साथ सुमन कर, अपना परम मनुष्य जीव का परम कर्तव्य समझकर ओम नाम का जाप कर। तो इन्होंने वेदों से ओम नाम का जाप तो मान लिया, वे ओम ही नाम है जाप करने का, लेकिन ये एक इन्होंने ये नहीं देखा कि उसमें 40वें अध्याय के, यजुर्वेद 40वें अध्याय के मंत्र नंबर 10 और 12 में ये भी तक आया है कि उस पूर्ण परमात्मा यानी वेद ज्ञान ब्रह्म दे रहा है, वह कहता है कि उस परमात्मा के विषय में, पूर्ण ब्रह्म के विषय में कोई तो साकार बताता है कोई निराकार बताता है, वास्तविक ज्ञान तो को तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि तत्व ज्ञान उस पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से पूछो, फिर वो जैसे मार्गदर्शन करें वैसे उनकी अनुसार साधना करो, तुम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओगे। अब उन ज्ञानी आत्माओं की बुद्धि यहीं टिकगी कि वेदों में ओम मंत्र है और ये पूर्ण परमात्मा का है और यही ब्रह्म ही वो पूर्ण परमात्मा है, इनकी इन आप पर निष्कर्ष निकाल लिया। तत्वदर्शी संत के अभाव से इन्होंने आप पर निष्कर्ष निकाल लिया। परमात्मा कहते हैं सतगुरु बिन काउन पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना, सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। सतगुरु तत्वदर्शी संत के बिना यदि कोई वेद भी पढ़ता है वो उसके निष्कर्ष को नहीं समझ सकता, वो अज्ञानी रह जाता है। अब क्या बताया है कि जो ज्ञानी है उनको ये तो पक्का हो गया वो और पूजा नहीं करते, वो केवल ब्रह्म साधना यानी ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान के ओम नाम उसका मंत्र जाप कर उसी का जाप करते, साथ में वो लोक वेद काल के द्वारा घुसेड़ा हुआ या डुप्लीकेट ज्ञान तप भी करते हैं। तप जैसे ब्रह्मा को कहा था तपो तपो कर वक सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया, आकाशवाणी कर दी ब्रह्मा को तप करो तप करो, ब्रह्मा तप करने लग गया डरता कि अब ब्रह्मा ने सोची भगवान की वाणी है या तप, ये भी परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन ये था काल की बीमारी। तो इन ऋषियों ने वेदों से तो मंत्र ले लिया और उस ब्रह्मा आदि से सुना हुए ज्ञान लोक वेद से तप करने की प्रक्रिया अपना ली, और जब तप करते हैं तो ओम नाम छूट जाता है इनका, बस फिर तो तप हो तप कर तो समाधि लग जाती है, ऊपर लोग देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऊपर के नजारे देखते रहते हैं, तरह से हजारों वर्षों तक बैठे रहते हैं काफी समय तक, और फिर इनमें सिद्धियां आ जाती हैं, ये सिद्धियां इस जीव की शत्रु होती हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर अब 18 में, 16 आपको सुना दिया 17 सुना दिया,
18 में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा, जो ज्ञानी चौथे प्रकार के जो ज्ञानी हैं, ये है तो अच्छी आत्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने आपका जो निष्कर्ष निकाल लिया, आप मेरे वाली सा घटिया साधना में आश्रित रहे। अब देखिएगा, अब पढ़ोगे गीता जी आपके तुरंत समझ में आएगा। ये देखिएगा, अब श्लोक नंबर 16-15 तक हमने पढ़ लिया था, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं बचते। 16 में, हे भारतवासियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्तजन मुझको बचते हैं। 17 में कहा है, उनमें नित्य मुझ में एक सतीत, एक ही भाव से सतीत, अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। यानी मुझे वो ज्ञानी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। अब ब्रह्म कहता है कि और सब देवताओं की पूजा छोड़कर केवल मेरी जो भक्ति करता है मन, वो अच्छा लगता है, और उसको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि उसने निष्कर्ष निकाल लिया है कि एक ही परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष यानी सब लाभ होता है। अब क्या बताते हैं कि वो मुझे अच्छा लगता है, उसको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि एक भक्ति, एक भगवान की भक्ति कर रहा है, उन वेदों को जाना है। आगे 18वें श्लोक में लिखा है कि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार, उदार माने अच्छी आत्मा, लेकिन मेरे वाली वो घटिया अनुत्तम गति में सचित है। यह देखना, ये 18वां है, ये उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मते मतम आस्थित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्माम गतिम। ये सभी उदार हैं, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, थोड़ा सा गुणवा दिया, ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, यह मेरा मत है। ये देखो वैसे इसका अर्थ क्या बनता है, उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, मेरे विचार में, मेरे मत में, मेरे विचार में ये ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, सभी बहुत अच्छी आत्मा है। आस्थित सही युक्त आत्मा, आस्थित सही युक्त आत्मा माम एव अनुत्माम गतिम, ये उद्धार आत्मा मेरे वाली साधना में युक्त है, मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में ही आस्थित है, आश्रित है। आस्थित है सही युक्त आत्मा माम एव अनुत्माम गति, मेरी ही अनुत्माम गति में ये स्थित है, ये परमात्मा में लीन आत्माएं। क्योंकि अब देखो पुण्यात्मा, यहाँ ज्ञानी लोग संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं, क्या भगवान अपने अपनी साधना का अनुत्तम कह सकता है, ये झूठ, ये इन्होंने इस अनुत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ मान लिया। उत्तम का अर्थ क्या बनाओगे फिर, उत्तम का अर्थ भी श्रेष्ठ और अनुत्तम का अर्थ भी श्रेष्ठ। ये कहते हैं समाज में अनुत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसके बराबर कोई उत्तम ना हो। अरे भले आदमी हो, अब अगर ये श्रेष्ठ मान लिया भाई, इसका अनुत्तम कार सर्वश्रेष्ठ मान लिया, तो ये फिर भगवान इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता से ऊपर कोई भगवान नहीं है और उससे अच्छा कोई भगवान, कोई साधना भी नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जो गीता ज्ञान से अलग है, गीता ज्ञान दाता से अलग है, उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौट के फिर संसार में नहीं आता। अपने बारे में चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा है कि मेरे, तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी होंगे और वर्तमान में भी हैं। इसे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता का जन्म मृत्यु होता है, ये पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। जब समय जन्म मृत्यु में है तो इसके आश्रित साधक कैसे पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो ये साधना इसकी अति उत्तम नहीं हो सकती। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस भगवान की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू सर्व शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा फिर जन्म नहीं होगा। यदि हम उन अज्ञानियों की बातों को माने कि अनुत्तम माने सर्वश्रेष्ठ होता, जिसके बराबर कोई उत्तम ना हो, तो यह भी न्याय संगत नहीं सिद्ध हो रहा।
क्योंकि गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि मेरे से और एक अच्छी शक्ति है, उसकी साधना करने से फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, मेरी साधना करेगा जन्म मृत्यु तेरी भी और मेरी भी 84 लाख योनियां सब में आपने भोगनी पड़ेगी। ये देख रहा गीता के अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 18, उदारा सर्वे एवेति ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्माएं जो 4th नंबर की हैं, ये सभी अच्छी हैं, उदार हैं। आस्तित से ही युक्त आत्मा माम एव अनुतमाम गति, ये सभी भगवान में लीन आत्मा मेरे वाली, भगवान चाहने वाले जो आत्मा है ये मेरे वाली अनुतम, अनुतम माने ने अति उत्तम लिख दिया है तरह के, अति घटिया लिखना था, गति मेरे वाली गति में अच्छी प्रकार आश्रित है, मेरे वाली में ही आश्रित है इनको, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं। आगे देखो 19 में स्पष्ट होता है, 19 में 7 अध्याय के 19 श्लोक में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्व सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभ। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंत, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मेरी ब्रह्म साधना करता है और वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि वो पूर्ण परमात्मा, वो सारी वो वासुदेव माने कारत होता जो सबके ऊपर जिसका शासन हो, सबके ऊपर जिसकी स्थिति हो, जो सर्व व्यापक हो, यानी सब पर पूरे विश्व ब्रह्मांडों में उसका उसकी सत्ता हो, उसको वासुदेव कहते। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु, विष्णु जी को हम वासुदेव कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं, वासुदेव श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, वासुदेव का बेटा था। और वासुदेव वेदों से नाम लेकर के ब्राह्मण लोग यानी गुरु लोग अपने अपने यजमानों के बच्चों के नाम लिखा कर रखे हैं बढ़िया वाले, तो वासुदेव पूर्ण परमात्मा के लिए ही शब्द है। वासुदेव माने सबके ऊपर शासन करने वाला और सर्वव्यापक, जिसकी सत्ता पूरे ब्रह्मांडों में हो, वो उसको वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान भगवान कहते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों में, स्वर्गलोक पृथ्वीलोक और पाताल लोक में ही इनकी सत्ता है, ये पूरे ब्रह्मांडों पर व्यापक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। इनके पिता ब्रह्म 21 ब्रह्मांडों के ऊपर मालिक हैं, ये सर्वव्यापक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। पर ब्रह्म केवल 7 संख ब्रह्मांडों के ऊपर मालिक है, पर ब्रह्म भी वासुदेव नहीं है। पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर परमेश्वर का असंख्य ब्रह्मांडों पर, इंक्लूडिंग ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड, इन सब के ऊपर परमात्मा कबीर जी व्यापक हैं, पूर्ण ब्रह्म व्यापक हैं, वो वासुदेव है। अब ये क्या बता रहा है कि वासुदेव है सर्वमिति, ये बताने वाला कि वो सर्वव्यापक परमात्मा यानी पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वही सर्व सुखदायक है, वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन तुझे, सह महात्मा सुदुर्लभ है। ये देखिए 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रवते, बहुत ही जन्मों के अंत के जन्म में ये ज्ञानी कोई ज्ञानी मेरी भक्ति करता है, और वासुदेव है सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, वो पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ है, वह सर्वशक्तिमान है, 3 लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है, सबका पालनहार वही है, सृष्टि रचनहार वही है, ये बताने वाला सह महात्मा सुदुर्लभ, वह महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलने वाला है। कोटो मध्य कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुन रह झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कह रह झुमकरा, यो पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा। यहाँ पर हमारे भक्त ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, वो फिर जाते हैं, उनको कोई संत मिलता है जो नकली कोई मंत्र मिलता है, उनके जाकर उनके उनको समझाने की चेष्टा करते हैं कि भाई तू अपना जन्म बिगाड़ रहा है, तू नकली संत महंत बना बैठा, ना तेरे पास ज्ञान है, ना तेरे पास कोई समाधान है, तो भी पशु बनेगा, गधा बनेगा, और साथ में अनिवाहित ने 150,000 2,000 उड़ जा रखे, इनको भी नरक ले जाएगा। अब इस ज्ञान से परिचित होकर के वो भयभीत तो हो जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के लिए निकले थे, अब उनको रास्ता मिला नहीं तो प्रभु बन बैठे,
तो उनके सामने क्या समस्या आती है कि हम नाम भी ले लें, जैसे यहां आते हैं वो बंठन का दाढ़ी दूढ़ी बना बढ़ाकर ऋषि बन का आते, हम कहते हैं नाम लेने से पहले ये सारे बाल बुल कटवा, नहीं तो फिर ठगेगा दुनिया ने। तो वो कहते हैं कि बाल तक कटवा लो फिर मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, यानी मैंने फिर टूक कौन देगा, मुझे संत कौन मानेगा, अरे तेरा गजब हो, दो रोटी भगवान नहीं देगा तेरे को जो उसके लिए निकला है, तो मां के पेट में पाड़ा और बार सब की व्यवस्था उसने कर रखी। कहते नट प्रेरणा कंद्र सासी मांगत है बठियारे, जिनकी सुरती लगे सतगुरु में वो मोती देवे उधारे। वो तोरों को सुख दिया, अगर निकमे तेरी साधना ठीक हो ना तो एक रोटी अगर चक्कर में पड़ रहा है। तो यहां क्या बताना चाहते हैं कि करोड़ संतों में तो तुझे ये तत्व उस परम पिता परमात्मा के बारे में बताने वाला कोई संत नहीं मिला, अरबों में कोई एक संत मिलेगा, अरबों में। पुण्यात्मा हो एक गांव में अगर 15,000 की आबादी है जिसमें 10,000 तो बालक पाओगे छोटे छोटे, अरबा की 5,000 ला ले वह बड़े बुजुर्ग जवान, तो उन 5,000 के 5,000 गुरु पाओगे। कैसे, जैसे किसी बहन के बालक का कोई तकलीफ होगी, बीमार शिमार हो गया, तो पड़ोसी ना आवेगी कहेगी ये थर बारली की पूजा है, उस बारली के बोल दे 200 रुपया। दूसरी आओगी नो कह भीतरली के बोल दे। तीसरी आओगी नो कह थर श्याम जी की पूजा, उसका कि मैं रख दे। कोई नो कह फलानी बर उसकी शेरा क्या नाम है गुड़गामा वाली की बोल दे, कोई कह बनभोरी वाली की बोल दे। यानी जो मिलेगा वो कोई न कोई समाधान बताने वाला मिलेगा उसको। यानी 5,000 गुरु एक गांव में है, ये नकली जिन्हें कहेगा बेरा को ना है। ऐसे ही ये और संत, ये तो आपने देखा होगा ये बड़े बड़े टोला रोक रखे, ये सारे इनसे भी जो आम गांव में जो बताने वाले उनसे भी घटिया इनका ज्ञान है, जो करोड़ों लोगों को गुमराह किए बैठे हैं सतलोक का लालच देकर, कह कह का पता कोई ना इनको। तो इसके लिए बताते हैं कोटो मध्य कोई नहीं रह झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा। एक लुधियाना के पास वासियर गांव है, वहां का एक सरदार जी गरीबदास जी के पास आया था, परमात्मा के ज्ञान से परिचित हुआ तो उसने कहा कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हे महाराज, ये ज्ञान दास तो किसी ने नहीं बताया हमारे थे। तब गरीबदास जी ने कहा था कि कोटो मध्य कोई नहीं रह झुमकरा, करोड़ संतों में तुझे नहीं मिलेगा इस ज्ञान के बताने वाला, अरबों में कोई कर्क सुनो रह झुमकरा, अरब संतों में तुझे गर्क माने पूर्ण परिचित परमात्मा का ज्ञान भी हो फिर समाधान भी उसके पास हो, ऐसा संतन अरबों में मिलेगा। यही पवित्र गीता जी कहती है, बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर बदते है। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ, मेरी साधना भी कोई एकादा अंत के समय में कोई ज्ञानवान मेरी भक्ति करता है, और वासुदेव यानी पूर्ण परमात्मा ही वो पूजा के योग्य है, वही सब का धारण पोषण करता है, उसी से सर्व ब्रह्मांडों की रचना हुई है, ये बताने वाला साधु तो इतना बड़ी मुश्किल से मिलेगा, सो दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलने वाला है। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो हमने निष्कर्ष निकालना होगा कि कौन से भगवान की भक्ति करें, और उस परमात्मा की भक्ति करके ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब आपने सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों की क्या स्थिति है, और ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना भी व्यर्थ है अनुतम है, इसलिए अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सतलोक यानी शाश्वत स्थान को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मारे सत गुरु दे रहे हे लारे, सत नाम सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे हे लारे, सत नाम सुमर मन में, सत नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सत नाम सुमर मन में लारे,
भगवान सुमर मन में लारे मारे सतगुरु दे रहे हे लारे सतनाम सुमर मन कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़े भरा एक थैलारे कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़े भरा एक थैलारे यही मिलाया यही रे बिछोड़े जा जागा हमसे अकेला रे मारे यही मिलाया यही रे बिछोड़े जा जागा हमसे अकेला रे मारे सतगुरु दे रहे सतनाम सुमर मन में लारे भगवान सुमर मन में लारे सतनाम सुमर मन में लारे भगवान सुमर मन में लारे मारे सतगुरु दे रहे हे लारे सतनाम सुमर मन मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई जन का मेला रे मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई जन का मेला रे यही मिलाया यही रे बिछुड़ जा जावेगा हमसे अकेला रे यही मिलाया यही रे बिछुड़ जा जागा हमसे अकेला रे मारे सतगुरु दे रहे हे लारे सतनाम सुमर मन मेला मारे साहेब दे रहे हे लारे सतनाम सुमर मन मेला रे एक डाल पर दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला रे एक डाल पर दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला रे चेला तो चंचल है भाई गुरु निरंतर खेला रे चेला तो चंचल गुरु निरंतर खेला रे मारे सतगुरु दे रहे हे लारे सतनाम सुमर मन में लारे मारे साहेब दे रहे हे लारे सतनाम सुमर मन सतनाम सुमर मन में लारे भगवान सुमर मन में लारे सतनाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे मारे साहेब दे रहे सतनाम सुमर मन में इस पद का तुम भेद सुनो कौन गुरु कौन चेला रे इस पद का तुम भेद सुनो कौन गुरु कौन चेला रे रामानंद का कहे कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे रामानंद का कहे कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे मारे सतगुरु दे रहे हे लारे सतनाम सुमर मन में लारे सत्साही परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं कि चारों युग में हम पुकारे और कूक कया हम हेल रे हीरे माणिक मोती सुख बरस ये जुग जुगता ढेल रे परमात्मा कहते हैं चारों युग में आकर के हमने आवाज लगाई है हम तत्व ज्ञान का संदेश देने आते हैं लेकिन हमारी बात को ना स्वीकार करके हम जो ज्ञान देते हैं वो तो समझो ऐसी साधना जैसे आपको लाल मिल गया हो हीरे मिल हीरा मिल जाए हीरे को छोड़कर तुम कंकर पत्थर जोड़कर वजन उठाए फिरते हो जो दो कौड़ी के नहीं उनकी कोई कीमत नहीं। चारों युग में हम पुकारे कूक कया हम हेल रे हीरे माणिक मोती बरसे यो जग जगता ढेल रे ये डड़े ढूंढ रहा है ये संसार आन उपासना ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म तक की साधना को डड़े ये ढेल बताया है यानी व्यर्थ साधना बताई। अब ये गलत साधना करके देखिए ये भूत बन गए
और ये भूत बन के दूसरा में बढ़ गए। आप तो दुखी हैं, इनको और तंग करे, और ये कहीं समाधान नहीं हो सकता केवल कबीर परमात्मा की भक्ति से। ये वैसे ही भाग जाएंगे, हम इनका ना जाड़े लाते ना कोई जंतर मंत्र करते, केवल इस भक्ति में इतनी शक्ति है कि भूतड़े अड़े टेक नहीं सकते, अपने आप छोड़ जाएंगे कुछ दिनों। बोलो सतगुरुदेव, कर जोरू विनती करू धरू चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम, कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी झांखे चौहा जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं जो देवो सोखम। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात, जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आखूं रो, चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो, गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाई, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाही, तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ग्रंथ मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमरी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूजत और न ठोरे, जो राखो त्यों ही रहूं मेरा के चारा, खाने जाद खरीद हूँ सतगुरु गुलाम तुम्हारा, बंदे तू कर बंदगी जै चाव दीदार, अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार, मानुष जन्म पाके जो नहीं डटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम, कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब हो, मिट्टी लदे कुमार के भाई घास ना नीरे को, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे भाई टूक ना डाले को, गरीबी भी पड़ दे रहे थी
जोड़ी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती है वो बन कुटिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उगाड़े फिरती है वो करे सराम सोर। नक बेसर नक पैवणी वे पैरे थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी ही देख कर्म के खेल। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी इस माया के माया रूपी भांग के नशे में भ्रमित प्राणियों को इस काल के माया का नशा उतारने के लिए एंटीबायोटिक औषधि अर्थात ये चेतावनी रूपी वाणियां प्रभु हमें बताते हैं सुनाते हैं ताकि हमारी या माया की भांग उतर जाए। परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। कौन सा राजा? जो भक्ति नहीं करता, परम संत की शरण में नहीं है, क्योंकि वो फिर मर्यादा से नहीं चल सकता, क्योंकि राजा में इतना अभिमान हो जाता है, उसके साथ लाखों सैनिक हो जाते हैं, वो जो चाहे कुफर कर सकता है। यदि वो पूर्ण परम संत की शरण में रहे और फिर मान ले उसके भाग्य में या मजदूरी है राज्य की, तो वो भी करे, भगवान से डर के प्रजा को अपना संतान मान के। माता पिता जो सही नेक माता पिता होते हैं वो संतान में कभी भेदभाव नहीं करते। ठीक है, जो बुरा है उसको वो अपने कर्म भोगेगा, अच्छा वो अपने। तो ऐसे वो राजा जो भगवान के चरणों में भगवान से डरने वाला होगा वो पाप से बच सकता है, अन्यथा राजा का कोई खाता नहीं, कोई विकल्प नहीं कि वो पापों से बच जाए, उसके ऊपर सबसे ज्यादा भार बनता है। अब परमात्मा कहते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते वो राजा भी गधा बनता है, तो आम प्राणी विचार कर ले वो के बनेगा। राजा का उदाहरण इसलिए दिया प्रभु ने कि हम राजा को बहुत सुप्रीम पावर मांगते हैं और जनसाधारण के लिए बहुत बड़ी पावर शक्ति होती है, लेकिन वो राजा भी जो भक्ति नहीं करता वो भी गधे की योनि में जाएगा। तो अन्य प्राणियों को इस बात से डर लगना चाहिए, तो अपने क्या औकात है, इसलिए भगवान भजे। इस सारा कुछ कहने का तात्पर्य है परमात्मा की भक्ति करें और शास्त्र अनुकूल करें, परम संत को से उपदेश लेकर करें। फिर बताते हैं कि कबीर के नाम बिना ये नारकुतिया हो और गली गली भौंकत फिरे फिरे, टूक ना डाले कोई। परमात्मा की भक्ति ना करने वाली वो बहन नेक्स्ट जीवन में कुतिया की योनि में जाएगी। पुण्यात्माओं ये मत समझना कि ये दास वैसे ही कह रहा, नहीं, ये परमात्मा का विधान है, उसका बोला हुआ वचन है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, चाहे आप मानो या ना मानो। अब चोरी चोर करता है और भी को अपराध अपराधी करता है, उसको कोई समझाता है कि तू अपराध कर रहा है तुझे सजा मिलेगी, वो काना पे गटाल देता है, वो नहीं उससे डरता है, तो आखिर में उसको सजा प्राप्त होती है जो अपराध वो कर चुका है। ऐसे ही जो हमारे ऊपर हमारे को संदेश दिया जाता है और हम इस पर विचार नहीं करते हैं, इसको वैसे ही सोचते हैं, तो हम अपराधी हैं, क्योंकि हम परमात्मा के नियम का उल्लंघन करके चल रहे हैं। इसलिए आपको नियम बताया जाता है कि साधना सत साधना ना करने वाले प्राणी के साथ कैसी आपदाएं उसके ऊपर आएंगी। क्या बताते हैं कि बीबी पड़दा रहे थी, बीबी वो बड़े अफसरों की पत्नियां, राजाओं की पत्नियां, रानियां, जैसे मुसलमानों के अंदर तो वैसे तो पहले हिंदू और मुसलमान सभी के अंदर पर्दा सिस्टम था,
सभी अपने मुंह पर लड़कियां औरतें पर्दा रखकर चला करती थी, घूंघट काटा करती। उसके बाद कहते जोड़ी लगे थी वार पर्दे सुंदरी रहे थी, यानी उनको अंग भी बाहर दिखाना अलाउड नहीं था अपना, जैसे कुछ ऐसे कबीले होते हैं। और उनके सामने राजाओं के सामने डोढ़ी लगा करती थी, यानी बहुत से कोई सैनिक चौकी बना दिया जाता जाती थी कि न तो घर की रानियां बाहर जा सके और न ही कोई बाहर का व्यक्ति या कोई ऐसी वैसी स्त्री उनके पास आ सके। यानी वो अपनी इसमें इज्जत समझा करते थे कि हमारे उच्च घरों की स्त्रियां यदि बाहर जाएं या सत्संग आदि में कहीं स्थल पर जाकर नीचे बैठे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि सत्संग के अंदर प्राणी को पृथ्वी पर विराजमान होना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को मिट्टी मानना पड़ेगा, ये मिट्टी ही है ये शरीर। जब इस शरीर का अंत हो जाएगा, प्राण अंत हो जाएगा, उस समय इसको या तो मिट्टी में दफना दिया जाता है या फिर सभा कर दिया जाता है या मिट्टी बना दिया जाता है। तो जिसने इस मिट्टी को मिट्टी समझ लिया वही भक्ति कर सकता है और परमात्मा के लिए कटा सकता है, अन्यथा मानव शरीर को बर्बाद कर जाता है, अंत में फिर वो बहुत पछताता है। हम भी जब इस मार्ग पर नहीं लगे थे तो हमारे घरों में भी यही विचार होते थे, कोई कहीं सत्संग वगैरह हो जाता था तो घर वाले कहते थे हम नहीं जाया करते, हमारे घर की वो बेटियां नहीं जाया करती किसी ऐसे वैसे किसी स्थानों पर, उड़ते ऐसे ऐसी वैसी जाती। जैसे हमें ज्ञान नहीं था हम भी फिर उनकी स्वीकृति दे देते थे। अब पता चला वो तो सारी औली आंट थी और नालायक सोच थी। अब क्या बताते हैं परमात्मा के बीबी पड़दा रहे थी और डोडी लगे थी बार, अब गातु गाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार। जब एडी से लेकर चोटी तक पड़दा में रहा करती, सुंदर वस्त्र धारण किया करती, एक परमात्मा के ना भजने से, संत की शरण में ना जाने से, जिस इज्जत को सुरक्षित रखना चाहते थे आज वह इज्जत नंगी फिर रही है और बाजार के अंदर वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गातु गाड़े फिरती हैं, नगन गात फिर रही हैं और वो करें सरा में शोर। शहरों में धर्मशालाएं होती थी, सराय होती थी, और वो राजा की रानी या उच्च घराने की स्त्रियां जो पर्दे से बाहर नहीं आती थी, उनके पिछले पुण्य थे उन पुण्य आत्माओं के, जिस कारण उनको अच्छा स्थान, अच्छा आहार, अच्छी व्यवस्था भगवान ने करके दी, लेकिन उनके कानों में सत्संग की छींट नहीं लगी, जिस कारण से वो पुण्यात्मा अपने पुण्यों को समाप्त करके पाप कर्मों के आधार से वो कुतिया की योनि भोग रही है। फिर वो कहा, पहले वो काजू और किशमिश के बने हुए खीर और हलवे खाती थी और झूठे छोड़ती थी, जिसको दासी और दास खाते थे, नौकर नौकरानियां खाती थी या कुत्तों को डाल देती थी। आज वो रानी भक्ति ना करने से कुतिया बनकर के सराय के अंदर धर्मशाला के सामने खड़ी खड़ी भौंक रही है, शोर मचा रही है, एक टोक के लिए अतिथि खाना खा रहा है और वो ऐसे देख रही है, ऐसे देख रही कि शायद कभी मेरी तरफ एक टोक फेंक दे। अब खाना खाने वाला खाना खा रहा है, वो रोटी का ग्रास तोड़ता है, वो सोचती है ये ग्रास शायद तेरी तरफ आएगा, वो खा लेता हुआ फिर इंतजार करती है नेक्स्ट के लिए। और फिर किसी को रहम होता है तो एक टोक एक ग्रास ऐसे फेंक देता है उस कुतिया की ओर, जो रेत के अंदर जाकर मिट्टी में गिर जाता है, और वो राजा की रानी, वो उच्च घरे की उच्च घरानों की स्त्रियां अब कुतिया बनी हुई उस 10 ग्राम रेत के समेत उस टोक को खा रही हैं, रोटी को खा रही है। पुण्यात्माओं, कलेजा हिल जाना चाहिए इंसान का यदि आप होश में हो, शराबी आदमी का तो सरवाया नहीं करता, और भाई जो जिसकी बुद्धि काम करती है वो ऐसे ज्ञान से तुरंत प्रभावित होता है
और बुराइयों को छोड़ करके अभिमान को त्याग करके प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। नक बेसर नक पैबणी पर हार हम नाक में इतने लंबे लंबे सोने के वो डाला करती थी, लोग दिखावा ड्रामा करती थी, अपनी प्रभुता बनाती थी, और गले के अंदर बहुत सुंदर लाखों रुपए के हीरे और मोतियों से जड़े हुए हार पहनती थी। वो अब क्या बनी? नक बेसर नक पर बनी पह रह थी हार हमेल, अब वो सुंदरी से कुतिया बनी देख कर्म के खेल। अब देखो तुम्हारे पाप कर्मों के कैसे नजारे हैं। अब इन पाप कर्मों को विनाश करने के लिए हमें परम संत और पूर्ण परमात्मा की साधना की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा कितने दयालु हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं। ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये जो सौदा है, जैसे मानव शरीर का प्राप्त होना और पूर्ण संत मिलना, पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्राप्त, यथार्थ भक्ति प्राप्त होना, ये ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कारों का योग जब हो जाता है तब प्राणी को ये सुअवसर प्राप्त होता है। अब परमात्मा अपनी महिमा आप ही बताने के लिए आते हैं और कहते हैं कि ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। हम अपने पेट के लिए ना जाने कितने सौदे करते हैं। जैसे बच्चा पढ़ता है ये भी एक सौदा है, उसका टारगेट होता है कि मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करके कुछ उच्च अधिकारी बनूं या अच्छा व्यापारी बनूं। तो एक ये राम नाम का भी सौदा है। क्या बताते हैं? यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, ये लोहे के साताव जात है काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्द सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किसे न मूल गवाही। पुण्यात्मा कोई व्यापारी व्यापार करने के लिए दूर देश चला जाता है, दूर स्थान पर चला जाता है, वहां किराए पर होटल या धर्मशाला में कोई कक्ष लेता है, कमरा लेता है, और साथ में लाख दो लाख रुपए वहां सौदा करने के लिए साथ ले जाता है। बुद्धिमान होता है कि उस पैसे से वो आगे कोई वस्तु खरीदता है, उसको फिर बेचता है, फिर खरीदता है, यानी उससे मूल धन से जो लेकर गया था उस मूल राशि से दुगने तिगने चौगने करके अपने स्वदेश लौटाता है। और जो नालायक होता है, लाख दो लाख रुपये साथ लेकर गया है, उसी में से खाना खा रहा है, उसी से में से गुट्टी लगा रहा है, शराब पिए पड़ा है, अच्छे बड़े बड़े होटलों में बढ़िया कमरा लेकर रह रहा है और सौदा कर नहीं रहा, वो क्या होगा कि वर्ष दो वर्ष चार वर्ष में कंगाल हो जाएगा। और जब उसके पास राशि नहीं रहेगी तो होटल वाला भी धक्के मार के बाहर निकाल देगा। ये यहां आप एक समझो सौदा करने आए हो परमेश्वर के धाम से अपने श्वास रूपी पूंजी लेकर के। ये मानो श्वास रूपी पूंजी आपकी आपके पास है। जो व्यक्ति इस मानव शरीर में के जीवन में सत साधना कर लेता है वो दुगने तिगने चौगने इस जीवन के श्वासों से बना रहा है। उसने सौदा कर लिया, सच्चा सौदा कर लिया। और जो साधना नहीं करता, सारा दिन धंधे में जीवन जाता है, बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में लगा हुआ है, फैक्ट्रियों की स्कीम बनाता बनाता मर जाता है, वो इस मानव शरीर के सौदे को चूक चुका है।
उसने अपना मूल धन नष्ट कर दिया है तो फिर वो क्या बनेगा? वो कंगाल हो जाएगा, पशु पक्षी गधे कुत्ते की योनियां प्राप्त करेगा। यो सौदा फिर नाही रेशम, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दूने तीने किए चौगने, दुगने तिगने करे चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, तू फेर चौरासी जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। जा दिन की मोहे डरनी लग गए, जा दिन की मोहे डरनी लग गए, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। ये दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम छूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, तू फेर चौरासी जाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामण मरण मिटाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो। पुराण बांध फिर पंडित आए, प्राण बांध फिर पंडित आए, पीछे गुरुड़ पड़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नरसेती तू पशुआ की जय, नरसेती तू पशुआ की जय, गद्दा बल बनाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। ये छप्पन भोग कहाँ मन बोरे, छप्पन भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो।
प्रेत सिला पै जाग राजे, प्रेत सिला पै जाग राजे, पितरों पिंड भराई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। जिस बहुर सराद खान को आए, बहुर सराद खान को आए, काग बहे कलमा ही रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। सुरत निरत मन पवन पियाना, सुरत निरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। सत साहिब।